खेसारी और पवन, जी हाँ इन दोनों के फैंस अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो दोनों के फैंस के लिए काफ़ी खुशखबरी है। लेकिन पहले हम पवन से स्टार्ट करेंगे, बाद में हम खेसारी की फिल्मों की और एल्बम जिसकी वो शूटिंग जल्द ही मुंबई में स्टार्ट करने वाले हैं उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और आपको बताते हैं कि पवन क्या खास कर रहे हैं। पवन ने वो किया है, या यूँ कह ले कि पवन के गाने महादेव का दीवाना ने वो किया है, जो कि भाई किसी भी फैंस को प्राउड करने का मोमेंट दे सकता है। यहाँ पवन के फैंस काफ़ी प्राउडली कह सकते हैं पवन सिंह के गाने का जितना व्यूज़ है उतना सारे भोजपुरिया स्टार्स मिला दे तो भी महादेव का दीवाना के व्यूज़ को नहीं क्रॉस कर पाएंगे। 27 मिलियन व्यूज़ कहने के लिए होता है, 2 वीक ही हुआ है इस गाने को। अब आपको और भी एक बात बता दें इसी गाने से रिलेटेड, ये बताएंगे कि खेसारी का एक गाना कल टिप्स भोजपुरी पर रिलीज़ हुआ है, उस गाने का नाम है भक्त महाकाल के, तो उस गाने का जो व्यूज़ है वो 3 लाख है और महादेव का दीवाना हूँ का लाइक्स 3 लाख है। तो इसलिए जो पवन के फैंस हैं वो लगातार खेसारी के फैंस पर छीटाकसी कर रहे हैं, भाई हमारा स्टार आगे हो गया है, उसका तो जितना लाइक्स है उतना तुम्हारे गाने का व्यूज़ है। खैर ये नोकझोंक चलती रहेगी, हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये बढ़ते हैं कि 2 गो रख ले बानी, जी हाँ आपको तो याद होगा पवन सिंह का 3 महीने पहले गाना रिलीज़ हुआ था जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, और अब ये गाने का पार्ट 2 आ रहा है। इसका पार्ट 1 का ऑडियो रिलीज़ हुआ था, वीडियो रिलीज़ नहीं हुआ था, लेकिन जो पार्ट 2 है उसका ऑडियो वीडियो दोनों रिलीज़ होगा और इसे फिर से वही टीम करेगी, छोटे बाबा, प्रियंका सिंह, ये सारे लोग ही हैं। और इसके साथ आपको बता दें इसका वीडियो और ऑडियो एक ही साथ एक ही दिन रिलीज़ होगा। और अब आगे बढ़ते हैं, खेसारी के फैंस बेताबी से इंतज़ार कर रहे होंगे कि खेसारी कौन सी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि बलमुआ कैसे थे जब जिसमें मधुश्री और काजल राघवानी इनकी हीरोइन है, जी हाँ इस फिल्म की शूटिंग ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी थी, थोड़े बहुत पार्ट्स जो बाकी हैं उसे जल्द ही शूट किया जाएगा, जी हाँ ऐसी खबरें आ रही हैं। इसकी डबिंग स्टार्ट हो गई है, जी हाँ मधु शर्मा ने इसकी शूटिंग स्टार्ट कर दी है और अब खेसारी और काजल राघवानी की बारी है। तो खेसारी भी इसकी जो डबिंग है 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे और काजल राघवानी भी 1-2 दिन में इसकी डबिंग स्टार्ट कर देंगे। साथ ही खेसारी एक लोकगीत लेकर आ रहे हैं, जी हाँ जिस तरह से पवन सिंह एक लोकगीत ला रहे हैं ठीक उसी तरह से खेसारी भी एक लोकगीत लेकर आ रहे हैं। खेसारी इससे पहले भी कई लोकगीत ला चुके हैं अखिलेश कश्यप के साथ मिलकर और वो जल्द ही उसका ऑडियो रिलीज़ होगा, टिप्स भोजपुरी पर ही रिलीज़ होगा। और आपको बता दें कि टिप्स भोजपुरी पर खेसारी के पिछले दिनों कई गाने रिलीज़ हुए हैं, तो यकीन है आप अगर खेसारी के फैंस हैं और पवन सिंह के फैंस हैं तो आप दोनों को ये खबरें पसंद ज़रूर आई होंगी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।